गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल राज तिवारी ब्लॉग। और आपके सामने पूजा पाठ वगैरह कर लिया गया है और अब फटाफट ब्रेकफास्ट करेंगे। तो गाइस आज है थर्ड सैटरडे, लेकिन बच्चे अभी तक सो रहे हैं, इनको लग रहा है सेकंड सैटरडे है, लेकिन इनको बताना पड़ेगा कि आज थर्ड सैटरडे है और इनको उठना पड़ेगा, लेकिन अभी तक ये सो रहे, लेकिन इनको उठाते फटाफट। प्रकृति उठ जाओ बेटा, आपकी क्लास आ गई है, आज सेकंड सैटरडे नहीं है, भूल लग गई है, आज है थर्ड सैटरडे, आप लोगों को उठना पड़ना बच्चों। तो गाइस इनको उठाते किसी तरीके से। पापा के नाना की लाड़ी। तो गाइस अक्षत को मैंने उठा लिया, अक्षत उठ चुका है और अक्षत ने पापा के साथ थोड़ा सा रस खा लिया। अब अभी अक्षत करेगा अपना होमवर्क, है ना भाई, क्लास लेते ना मेरे पापा सुबह सुबह, है ना भाई, है ना। हाँ बोल, होता है क्लास लेगा पापा। बच्चा तो तू क्लास तो लेगा कि नहीं लेगा सुबह सुबह, है ये क्यों बता ना, मेरा बच्चा। तो गाइस थोड़ा सा इसको थोड़ा सा है कि क्लास प्लूस क्या ले रही है, छोड़ो को, लेकिन लेनी पड़ेगी बेटा, क्या नहीं चाहिए ना, ये क्लास नहीं चाहिए, पढ़ना होता है बाबू, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं आपको दिन में, क्योंकि मैं निकल रहा हूँ ऑफिस, तो चलते हैं। पहुंचा हूँ घर और बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, टाइम हो गया है 3 बजे और पूजा ने लंच वगैरह बिल्कुल तैयार किया, लंच बिल्कुल तैयार है। आज बने हैं सूखे आलू की सब्जी, दाल और रोटी। पूजा क्या चल रहा है यार, क्या कर रहे हो? बस कुछ नहीं, किचन की सफाई कर रही हूं, सोच रही कॉफी, कॉफी से याद है इसका एक गैस स्टोव का वाला है हमारा, आपने पूछा उसको? यार गैस स्टोव वाले से आज मेरी बात हुई थी, वो बोल रहा है कि यार आपको नया ही दे देंगे चूल्हा। तो गाइस जैसा कि आपको शायद पता हो, लेकिन अगर आप मेरी पिछले ब्लॉग देखोगे ना, तो उसमें क्या था कि हमारा गैस स्टोव खराब हो गया था, लीक करने लग गया था। हाँ, और उसमें बहुत ज्यादा आग फैल, जैसे हमने रोज लाया ना आग फैलने लगी थी। हाँ। एक बार बीच में वो आया भी, उसने लगाया, लेकिन वो सही नहीं था, नहीं था जो उसने बोला कि मुझे लगा एक बर्नर खराब है, लेकिन ये सारे ही है। मैंने कहा वही तो हमने आपको बोला, फिर लीक हो रहा है, इसमें स्मेल आ जाती थी हमारे घर में, तो उसने बोला था कि मैं इसको चेंज करके शाम तक दे दूंगा, लेकिन आज तीन दिन हो गए हैं, दिया नहीं उसने अभी तक। हाँ। मैं यही पूछ रही हूँ कब तक आएगा। हाँ, तो वो अब उससे आज मेरी बात हुई थी, जैसे मैंने पूजा में बताया, आपने सुन लिया कि भाई आज वो कह रहा था 4 बजे करीब आऊंगा, तो जैसे वो आता है देखते क्या होता है यार, आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते ना, फिर बहुत ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि पीछे से गैस स्टोव में रिस्क नहीं ले सकते, बच्चे घर में है। हाँ, तो फिर चलो जैसा जो भी होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आ गया हमारा नया गैस स्टोव, कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, अब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वही वाला कलर क्या है, क्योंकि जो हमने चूज किया था ये वो नहीं है बिल्कुल भी, ये बिल्कुल चेंज है, वो स्ट्रॉबेरी था नहीं, वो ऑरेंज, वो ऑरेंज कट के थे, इसमें है ब्लैकबेरी, कोई कट कर उससे लाइटर से नहीं जलता, अब इसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं, उसमें बहुत स्मेल थी, इतनी स्मेल थी ना कि चक्कर आते थे, वो एक बार वो सर पे चढ़ने लग गया था कि यार ये क्यों हो रहा है, नीचे से रेगुलेटर भी बंद करते थे फिर भी उसमें स्मेल थी, और नया लिया था, इतना पैसा खर्चा है तो फिर इसमें टीवी लिखा है, तो देखो तो जरा चला के अब ठीक चल रहा है, इस तरह से चलता है, और ये बटन से चलता है, बिल्कुल प्रॉपर सही चल रहा है, ये बटन से और स्मेल अभी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारा नया गैस स्टोव, एक नया आ गया। चलो गाइस, तो गाइस हम जा रहे हैं अभी मंदिर, क्योंकि आज है शनिवार, शनिवार को हम जाते हैं मंदिर, और वहीं से जाएंगे मार्केट। हाँ, तो पहले जाएंगे मंदिर, मंदिर के बाद मार्केट होते हुए हम घर को आएंगे, और रास्ते में देखते हैं कहीं और जाने का अगर मन हो गया तो वहां पे भी जाएंगे, क्योंकि एक दो चीजें सामान वगैरह पूजा ने कुछ देख ले, अगर कुछ मिलता है तो देखेंगे। हाँ, और हमें लाइक और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, नोटिफिकेशन। तो गाइस ये राज तिवारी ब्लॉग नहीं है, ये राज तिवारी का अक्षय तिवारी ब्लॉग है, अक्षय तिवारी ये तो बोलते हैं लास्ट में कि लाइक अक्षय का डांस दिखा दो, फनी डांस। तो गाइस बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अभी जा रहे हैं मार्केट की तरफ, तो फटाफट निकलते हैं मार्केट। तो गाइस पहले आ चुके हैं मंदिर, मंदिर होने के बाद फिर चलेंगे मार्केट। अब सोचे देखो कितना माथा टेक रहा है,
गाइस तो फ्रॉग्स फोटो देख लो, पापा माथा टेक कर रहे हैं। गाइस देख दो, पापा के माथा टेक कर रहे हैं। वाह कितना पापा अच्छा माथा टेक कर रहा है। ओके ये पापा अच्छा बच्चा है, ये माथा टेक करता है। तो आ चुके हैं हम चाइना मार्केट, यहाँ पर थोड़ा बहुत देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो, क्योंकि हमने एक दो चीज़ें लेनी है, अगर कुछ मिलता है तो देखते हैं। तो बच्चे जा रहे हैं, तो गाइस फ्रूट्स ले लिया है, सामान ले लिया है, अब हम जा रहे हैं घर को। घर की गली को। ये बाल कैसे हो गए आपके? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way you bite your lips. तो गाइस ये कुछ इस तरह के बॉक्सेस हैं, वो भी ग्रे कलर के, बिकॉज आई लव दिस ग्रे कलर। और मैं इनको जब भी कुछ लेना होता था ना, मैं कहती नहीं ग्रे में लो ना, लाइट ग्रे तो मुझे पसंद है। और मेरा फ्रिज भी ग्रे है, मेरी वॉशिंग मशीन भी ग्रे है, क्योंकि मुझे पसंद है ग्रे कलर, तो मुझे ये पसंद आया। तो ये लाइट है, ये डार्क है, तो थोड़े ये अच्छे हैं कंटेनर वगैरह, तो इन्होंने लिए हैं। तो ज्यादा तो हमने शॉपिंग वगैरह करते हैं नहीं है, लेकिन फिर भी जिस चीज की जरूरत है वो हम ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो लेते रहते हैं। हाँ। अभी हो रही है इवनिंग की पूजा। तो जो भी आपने देख ही लिया, जो भी सामान वामान पूजा ने आपको दिखा दिया, तो आज का ब्लॉग हम यहीं तक रखते हैं और आपको करते हैं बाय बाय।